हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक मिस्ट्री में। आज हम एक्सोर गेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने और एंड एंड गेट का स्टडी किया था, जो कि हमने प्रैक्टिकली भी देखा था कि कैसे वर्क करता है ट्रांजिस्टर की सहायता से। आज से उसी तरीके से हम एक्सोर गेट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोर गेट का सिम्बल्स इस तरीके का होता है। यहाँ पे दो इनपुट हैं, ए एंड बी, एंड आउटपुट है वाई। एक्सोर गेट का इक्वेशन ये होता है, वाई इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, वाई इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी का बार। अगर ट्रूथ टेबल देखते हैं इसका, दो इनपुट हैं ए एंड बी, एंड आउटपुट वाई है। दोनों स्विच ऑफ रखेंगे, यानी जीरो जीरो होगा तो आउटपुट आपको जीरो मिलेगा। अगर एक हाई हुआ, वन हुआ, बी वन है एंड ए जीरो है तो आउटपुट वन होगा। अगर वन ए वन है और बी जीरो है तो आउटपुट वन होगा। अगर कंडीशन दोनों वन है, दोनों हाई है इनपुट, तो आपका आउटपुट जीरो होगा। चलो हम देखते हैं इसको कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और सर्किट कैसा रहेगा इसका। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक 5 वोल्ट सप्लाई दी है, उसको रजिस्टर से कनेक्ट किया है, एलईडी लगाया है। ये जो दो ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, ये और गेट है, जो कि आप पुराने वीडियो में आप डिटेल से देख सकते हैं कि और गेट की हेल्प कैसे हमने बनाया और एलईडी ऑन किया उससे। उसी तरीके से अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ये एंड गेट है। आप इस एंड गेट का आउटपुट यहां से गया है, जो कि हमने एक ट्रांजिस्टर को दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली देखते हैं सर्किट की सहायता से। ये जो आप स्कीमेटिक देख रहे हैं, यही स्कीमेटिक मैंने इस ब्रीड बोर्ड पे बनाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे 5 ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल सर्किट मैंने जो ट्रांजिस्टर से बनाया हुआ है, ये सेम स्कीमेटिक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड है, 5 वोल्ट सप्लाई है, ये 5 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है, ये रजिस्टर ऐड है हमारा, ये रजिस्टर है, इसके बाद डायोड है, और ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिनको इनपुट हमारा यहाँ से, ये दो स्विच के थ्रू हमारा इनपुट मिलता है। यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई का 5 वोल्ट सप्लाई, यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई से एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक 5 वोल्ट सप्लाई से ये दोनों ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, जो कि एंड गेट बनाते हैं। और ये स्विच हैं, और यहाँ से इन दोनों को 5 वोल्ट की इनपुट सप्लाई मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इन दोनों के ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट है। यहाँ पर किसी एक स्विच को प्रेस करता हूँ, हाई करता हूँ, तो एलईडी ग्लो करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ये कंडीशन क्रिएट करते हैं, जैसे बी को हम हाई करते हैं और ए को जीरो रखते हैं, तो ये ए स्विच है, ये बी स्विच है, हम बी को हाई करते हैं तो आउटपुट हमारा हाई आता है, और अगर ए स्विच को हाई करते हैं और बी को लो रखते हैं तो भी आउटपुट हाई आएगा। अगर इसी कंडीशन में दोनों ऑफ हैं अभी, तो आउटपुट जीरो है, ऑफ है। देखते हैं हमारे सर्किट कैसे काम करेगा। यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे। अगर हम किसी भी स्विच पे, ए या बी पे कोई इनपुट देंगे,
तो ये दो में से एक स्विच कंडक्ट करेगा, स्विच कंडक्ट करेगा तो आपका ये कंडक्ट करने के बाद आपका करंट का पाथ ये रहेगा। जब तक इस स्विच को हम ग्राउंड नहीं देंगे, यहाँ पे एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो इसको ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए इस ट्रांजिस्टर को ऑन होना पड़ेगा। तो अभी अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है, तो यहाँ से भी 5 वोल्ट है आपका यहाँ पर, और यहाँ से भी 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। इस स्विच को ऑन करने के लिए यहाँ पे जो हमने 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये इस तरीके से कंडक्ट करेगा स्विच, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, तो इसको रिटर्न पाथ यहाँ पर मिलेगा और ये एलईडी ग्लो करेगा। इन केस अगर ए और बी एक साथ प्रेस करते हैं, दोनों हाई होते हैं, तो इस कंडीशन में ये वाला पाथ कंडक्ट कर जाएंगे, ये दोनों ट्रांज, तो ये हमारा जो करंट का डायरेक्शन रहेगा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, और ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, उस वजह से एलईडी ग्लो नहीं करता। 0-0 की कंडीशन में भी यही है कि आपको ना यहाँ पे यहाँ पे भी आप 0 दे रहे हैं, यहाँ पर भी इनपुट 0 दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका एलईडी ग्लो नहीं करेगा। बट अगर आप यहाँ पे 1 दे रहे हैं, यहाँ पर भी 1 दे रहे हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर जाएंगे, दोनों ट्रांजिस्टर वर्क करेंगे, बट इसको कोई ग्राउंड पाथ नहीं मिलने की वजह से एलईडी ग्लो नहीं करता। क्योंकि आपका ग्राउंड पाथ यहाँ पे ये दोनों कंडक्ट हो जाएंगे, तो आपका ग्राउंड पाथ डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी दोनों स्विच ऑफ कंडीशन में हैं, 0-0 हैं, तो आपका एलईडी ग्लो नहीं कर रहा। बट अगर मैं 0 और 1 करता हूँ, बी को 1 करता हूँ, तो आपका स्विच एलईडी ऑन हो जाएगा। और अगर मैं 1 को हाई करता हूँ, बी को 0 करता हूँ, तो स्विच ग्लो कर जाएगा। अगर दोनों इनपुट 1-1 हैं, तो आपका ये स्विच ऑफ रहेगा, इस कंडीशन में एलईडी ग्लो नहीं करेगा, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।